भागवत क्यों सुननी चाहिए? मुक्ति के लिए। कौन सी मुक्ति? मुक्ति क्या है? अच्छा बताओ, मुक्ति क्या है? क्या है मुक्ति? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति जन्म जन्म के जन्मांतरों से, जन्म मृत्यु से मुक्ति। ठीक है, यह भी मुक्ति है, यह भी सही है। आप बताओ मुक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति मुक्ति है। ठीक है, आप बताओ मैया मुक्ति क्या है? बताओ मेरी माँ मुक्ति क्या है? भगवत धाम पहुंच जाना मुक्ति है। आप बताओ मुक्ति क्या है? पीछे वाले भक्त बताओ मुक्ति का क्या मतलब है? क्या है मुक्ति? क्या है मुक्ति? अच्छा, मुक्ति मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी संभव है? जोर से, मरने के बाद ही मिलती है कि जीते जी भी मिल जाती है? क्या कहते हैं मैया? आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया। मरने के बाद ही मिलती है मुक्ति के जीते जी भी संभव है? हाँ, जीते जी भी संभव है। और जीते जी जिसे मुक्ति मिल गई, उसी को बाद में वो वाली मुक्ति भी मिल जाएगी जो मरने के बाद मिलती होगी। जीते जी मुक्ति है तो फिर सब में मुक्ति हो। जीते जी मुक्त नहीं भाई। अब ये मुक्ति क्या है, अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लें 2-5 मिनट। अब देखो, ये जीते जी मुक्ति क्या है ये जरा समझो। आप यदि बैंक से कर्जा ले लो, यदि आप किसी व्यक्ति से कर्जा ले लो 2% 10% में, तो आप क्या कहते हैं? हे भगवान, कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी? कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी? तो कर्जे से आपको मुक्ति मिल गई। कोई रोगी है तो क्या कहता है? भगवान, इस रोग से कब मुक्ति मिलेगी? आपका पड़ोसी बड़ा गलत है, बड़ा दुष्ट है, तो आप क्या कहते हैं? इस दुष्ट आदमी से कब मुक्ति मिलेगी? किसी की सास बड़ी दुष्ट है तो बहू क्या कहती है? भगवान, इस सास से कब मुक्ति मिलेगी? तो ऐसी है, सबको मुक्ति चाहिए। किसी को सास से, किसी को पड़ोसी से, किसी को कर्जे से, किसी को बीमारी से, किसी को और भी कुछ से। तो ये मुक्तियां हैं, लेकिन इन सभी मुक्तियों में एक और मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वो क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि संसार से मन मुक्त हो जाए। संसार से मन, अभी आपका मन कहां लगा है? पत्नी में, पति में, पुत्र में, पैसे में, परिवार में, अभी आपका मन सब जगह लगा है। जब मन इन सब जगह से मन हट जाए और भगवान में मन लग जाए, यही सबसे बड़ी मुक्ति है, यही है मोक्ष। जगत से मन हट जाए और जगन्नाथ में मन लग जाए, यही है मोक्ष।